Hey guys, good morning from Delhi. It's almost 5 AM in the morning. पूरा वाइंड अप स्टार्ट करना है और 6:30 ट्राई करेंगे ऐसे निकल जाए. तो गाइस पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है. हम लोग ने स्टे लिया था हाई डबे सूट्स नोएडा में. सो आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये अंडर 2000 रुपीज़ का इसका पर रूम है और लोकेशन बहुत सही है, 120 सेक्टर पे है और प्लस यू नो पार्किंग भी है अंडरग्राउंड. सो आपको अगर बाइक वगैरह से ट्रैवल कर रहे हो, सेंट्रल इंडिया से आ रहे हो, तो नोएडा रुकना ही सेंस बनता है, आपको भी पता है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली यू नो हरियाणा हाईवेज डायरेक्टली पकड़ सकते हो इजिली. सो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में होटल का, तो आप अगर यहाँ इस साइड आओ तो ये बुकिंग कंसिडर कर सकते हो. सो गाइज अभी 7 बजने वाले ऑलमोस्ट, पैकिंग चल रही है, फिर निकलेंगे जम्मू की तरफ. सब लोग स्ट्रगल कर रहे हैं बैग के साथ. नोएडा थोड़ा सा लेट हो गया निकलते बट ठीक है. ऑलमोस्ट 10 घंटे का सफ़र है, बीच में 1.5-2 घंटे का ब्रेक, तो 12 घंटे की जर्नी आज भी है. बट आई थिंक वी कैन डू इट बिकॉज कल ही हमने 800 किलोमीटर जब कर सकते हैं और वापस आज सब एनर्जेटिक दिख रहे हैं मेरे को. चलो भाई अपने रथ पे चढ़ा जाए. डायरेक्शन लगा लिए. अंकल फिर जम्मू कहाँ से जाएंगे हम? अरे फोटो वीडियो बनाओ जरा. जम्मू जाना है? 12 के बाद जा सकते हैं. रोड बता दीजिए बस. आप जाएंगे कहाँ से? आज जो है अभी नहीं जा सकते, आप जाएंगे 12 बजे के बाद. सर कोई और सा रास्ता बता दीजिए. प्लीज सारे रास्ते बंद हैं, दिल्ली से भी नहीं जा सकते सर. भैया होटल छूट जाएगा यार, फिर तो पहुंचेंगे नहीं रात तक. जम्मू आप इधर से चले जाओ, पंजाब चले जाओ. सर जम्मू जाना है चंडीगढ़ से. भैया गाजियाबाद एग्जिट करके हरियाणा हाईवेज पकड़वा दीजिए बस. आप हरियाणा हाईवेज का रास्ता बता दीजिए, तो वहां से चले जाएं. सर रास्ता बता दीजिए ना सर बस. नहीं नहीं बता रहे हैं ना, गाजियाबाद का एग्जिट बता रहे हैं सर, इनको पता है, आप बता दीजिए प्लीज. ठीक है हाँ सर, रास्ता बता दीजिए ना. आप यहाँ से जाओगे, आपको यहाँ से अक्षरधाम वाला रोड है, अक्षरधाम से जाओगे ना आप कौशाम्बी की तरफ. अच्छा थैंक यू सर. चलो दिल्ली क्रॉस करना सबसे टफ टास्क है भाई. पुलिस वाले तो फोटो वीडियो बनाने लग गए, फिर मैंने भी उनका वीडियो बना लिया तुरंत कैमरा ऑन करके. हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटा फार्मर प्रोटेस्ट के चक्कर में हमको जाने नहीं दिया गया उस रूट से, तो हम रूट डाइवर्ट करके आए. टाइम तो हो चुका है काफ़ी वेस्ट, बट ट्राई करेंगे अगर हाईवे स्ट्रेच मिलता है थोड़ा हाई स्पीड में कवर करने का. और अभी NCR क्रॉस कर जाएं तभी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा. करनाल सीधे है, करनाल दिख गया मुझे बोर्ड, आ जाओ. कश्मीरी गेट. अरे भाई क्या रोड है, माशाल्लाह रोड है भाई. देखना एग्जॉस्ट ना टकराएं किसी के नीचे. प्योर एडवेंचर फन है भाई तन में. अरे भाई भाई साहब भाई राइट से आना तन में. बस 3 किलोमीटर की भसड़ है तन में, NH 44 आ रहा है. अरे भाई खतरनाक गड्ढे हैं यार. भाई साहब बहुत ही बेकार रोड. किसकी? बलिनो पटक का वाला है ना एकदम. यार ये दिल्ली ने ना परेशान. अरे भाई ट्रक आ रहा है सामने से.
कहाँ से भैया? भैया तो पूरी पीछे लगी गाड़ी, भैया स्लिप होगी गाड़ी आपकी बहुत ज्यादा, पीछे किसकी की? भैया स्किड मारते हो जाएगी आपकी। हाँ ठीक है, आराम से आना, रुकना मत रुकना मत। रुकना नहीं रुकना नहीं, अबे रुक तन में, रुकना नहीं रुकना नहीं। ओए अरे तन में कहते रहता, रुकना नहीं, रुक लगी तो नहीं, रुक मैं उधर आता हूँ, उस तरफ पकड़ना, रुको 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 रुको, तन में लगी तो नहीं। अरे मैं कह रहा था इसलिए कोई रुकना नहीं, उसको बता देते को भी समझ, रुक रुकता नहीं ना, गाइस सब ठीक है, तन में ठीक है, लगी नहीं उसको। अरे यार गंदा हो गया यार तन में बहुत, मैं बड़ा डर रहा था, गाड़ी सही चल रही कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बोला तो था कि मुझे आने दो, लग जाएगा लग जाएगा, रुक जा लगा देते हैं, तो खड़े हो जा, मैं खड़े हो रहा हूँ तो लेकिन रुकना मत, रुकना नहीं रुकना नहीं, अबे रुकना नहीं है, यहाँ से इस पे चढ़ा 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 चढ़ा, भगा दे भगा दे भगा दे भगा दे। चलो भाई कोई नहीं, वेल डन, स्ट्रगल हो गया हमारा इधर इस वक्त, निकल चलो मैं भाई, वे आ गया, गियर पहनने का इम्पोर्टेंस देख लो, कुछ नहीं हुआ है, एल्बो प्रोटेक्शन से बच गए। अरे हाँ ये लोग तो ब्लॉक कर रखा है, घर बना लिए देखो। सो गाइस ये फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है, इन लोग ने पूरा ब्लॉक करके रखे हाईवे। तन्मय ने गिर के साथ दिया फार्मर्स को। ग्राउंड जीरो पे साथ दिया। टू व्हीलर के फायदे तो आप लोग देख ही रहे हो, मैं साइड से निकलते जा रहा हूँ और ना जाने कितना और लंबा वाला ट्रैफिक है, और मेरी बैटरी भी 20% ही बची है, दो टैंक बैग में पावर बैंक और कॉर्ड वगैरह तो जल्दी हो जाएगा। एक 5 मिनट का ब्रेक लिया था, थक गए थे ट्रैफिक में। सेना क्यों बंद कर दिया तूने? हाईवे पे पहन रहा है जा गिर क्या हुआ? तो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे लग गए हम लोग को दिल्ली क्रॉस करने में। एक तो पुलिस वालों ने पहले गाजियाबाद से नहीं जाने दिया, फिर दिल्ली से यहाँ आए तो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है। सो अल्टीमेटली हमारी बैंड बज चुकी है और उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है, सो अब बस ब्रेकफास्ट पॉइंट पर रुकेंगे, फिर मिलते हैं। पेट के चूहे ऑलमोस्ट मर चुके हैं, अब खाना बहुत ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता वगैरह हो गया गाइस, बस इट्स टाइम टू से गुड बाय टू द माइलस्टोन ढाबा। डॉग भी बैठा आप देख सकते हो, जी 900 की रंगत बदल चुकी है। अगर आपको कीचड़ दिख नहीं रहा है इसमें तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ऐसी ऑफ रोडिंग हुई है आज। ये देखिए आप, इतनी बुरी हालत थी रोडों की मैं बता नहीं सकता हूँ। स्पॉटेड सम साइक्लिस्ट कैलकाटा टू नेपाल, इंडिया नेपाल भूटान, ऑल द बेस्ट ब्रो, ऑल द बेस्ट। लद्दाख भोपाल टू लद्दाख, दैट्स द स्पिरिट। मैंने लोकल लोगों से बात करी है कि भीड़ ये कहाँ जाके खत्म होगी, सब बोल रहे हैं करनाल के आसपास जाके फाइनली और हो जाएगी, लेट्स होप सो ऐसा ही हो, वरना हमें लिटरली 9-10 बज जाएगा जम्मू के होटल चेक इन करते करते। फाइनली 200 किलोमीटर दिल्ली से हमने चलाई है अब तक गाड़ी, और हो चुके हमको 6 घंटे लगभग।
लेकिन ट्रैफिक, प्रोटेस्ट, डाइवर्जन सब ने मिलकर हमारा पूरा का पूरा प्लान ऑलमोस्ट ख़राब कर दिया है। तो हम काफ़ी लेट होने वाले हैं और अम्बाला अभी भी लगभग 25 किलोमीटर बचा हुआ है। सो ट्राई करते हैं थोड़ा स्ट्रेच करें गाड़ी हाई स्पीड में, लेकिन ट्रैफिक हमें बिल्कुल भी करने नहीं दे रहा है अभी तक। यहाँ पे उड़ता पंजाब की शूटिंग चल रही देख सकते हो आप लोग। चलो यार पटियाला लुधियाना बाईपास करते हुए जो ऑलमोस्ट हमारा होटल 373 किलोमीटर बचा है यहाँ से, काफ़ी थक गए हैं, मतलब ट्रैफिक ने काफ़ी टायर कर दिया सबको। अब पटियाला और लुधियाना बाईपास करते हुए पठानकोट की ओर से जम्मू जाएंगे। किसी का यार हंसवा दो यार तो बारिश हो जाएगी, तन ध्रुव को हंसा देते हैं। ये अमित भैया की हालत देखिए दोस्त लोग, हालत टाइट हो चुकी है बता नहीं रहे हैं बस। और इधर अपना तन्मय बाइकर हार्डकोर गुलाटी खा चुका है फिर भी तेज चला रहा है। ये अपना आफ्टर मार्केट बॉय AEW एग्जॉस्ट। ब्रेक लिया है थोड़ा, KFC मैकडी वगैरह दिख गया था। ओहो हार्ले वाले ग्रुप्स भी हैं आई थिंक, राइड करने आए हैं, बैग्स तो दिख नहीं रहे। और हमारे पिछवाड़े बोल रहे हैं भाई कहाँ जा रहे हो, बहुत देर हो गई अब तो। फ्यूल अप टाइम एंड आई थिंक अब फ्यूल अप कराएंगे हम ऑलमोस्ट जम्मू पहुँच जाएंगे। जलंधर ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर और रह गया है, हम लोग शायद 9 बज जाएगा जम्मू एंटर करते करते। शिव जी आपको हमारा प्रणाम, थोड़ा आसान करिए रास्ते। पठानकोट के लिए हमें लेना है यहाँ से राइट, पठानकोट होते हुए जम्मू जाना है और यहाँ पर रहता है काफ़ी ज़्यादा जाम। लेट्स होप जल्दी ही हाईवे अच्छा आए और फ्री हो जाए ट्रैफिक से, बिकॉज आज का दिन एक्चुअली आपको सच बताएं तो कुछ भी इन्जॉय तो किया ही नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक से जूझा है और स्ट्रगल किया है, लिटरली स्ट्रगल। तो अब जाके बस जम्मू रेस्ट करना है, कल लेट निकलेंगे ये डिसाइड किया सबको, आई थिंक सफिशेंट स्लीप चाहिए। वी आर ऑन द वे टू जम्मू और यहाँ से 210 जम्मू है और 101 पठानकोट। आप लोग को ये पठानकोट जाने वाला हाईवे अच्छा तो लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों के कस्टमाइज क्रॉसिंग्स है, कोई भी कहीं से भी निकल जा रहा है तो काफ़ी केयरफुली जाना पड़ रहा है। हाँ हाँ कोई भी कहीं से भी निकल रहा है तो बच के रे यो में टकरा चुके पुट्ठे मेरे तो सूझ गए। मजाक उड़ाया जा रहा है पीछे दोस्तों मेरा। बोला जा रहा है बहुत बड़े यूट्यूबर है। होटल अपना 147 बचा और अभी बज रहे हैं 5:58 यानी कि ऑलमोस्ट 6 बज रहा है। और अराइवल टाइम कितना एक्सपेक्टेड दिखा रहा है वो 8:36 यानी कि 20 मिनट और जोड़ ब्रेक के, तो 9 बजे अपन होटल पे पहुंचेंगे। ऑलमोस्ट 7 बजने वाला है और सिंगल हो चुकी है रोड, पठानकोट आई थिंक निकल गया है आने मतलब चल रहा है, रीडेबिलिटी भी नहीं है कुछ, बस चले जा रहे हैं अभी तो हम लोग। लग रहा है 9 बज जाएगा ऑलमोस्ट, बट ठीक है धीरे धीरे चलते हैं सेफ्टी के लिए। भैया बाइकर अगर खड़े हैं पूछ लें क्या भैया, देखना वेरिफिकेशन काउंटर है। सो आई थिंक गाइज हम लोग को फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा इधर, कुछ कुछ करते हैं सारी एंट्री वगैरह। सीन ऐसा है जम्मू बॉर्डर के चेक इन पे या तो आप दोनों डोज लगवा चुके हो तो आपको जम्मू बॉर्डर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर RT-PCR दिखा दीजिए। और ले साइड बता रहे हैं कि अब चेक इन एक बार होगा। यहाँ पे सब हो गया हमारा, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट सब दिखा दिया है। वेलकम टू जम्मू एंड कश्मीर गेट। आई थिंक रात को कुछ रिकॉर्डिंग तो आएगी नहीं, GoPro की बैटरी वेस्ट करना बेकार है। सो आई एम टर्निंग इट ऑफ। जम्मू ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 9 बज के हो रहा है 5 मिनट और अपने सारे बंदे गजब थके हुए हैं, सेना वैना में बैटरी भी चली गई है। हमारा होटल ऑलमोस्ट 10 मिनट की दूरी है, 5 मिनट की दूरी पे और होगा, लेट्स सी। ओके आई कैन सी द लोगो क्लार्क्स इन एक्सप्रेस। होटल के वाले साइड चल, पार्किंग है उधर। ध्रुव विश्वकर्मा नाम से होंगी ना बुकिंग? हाँ हाँ